हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर जारी है। वहीं बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा भवन में नवचिंतन संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने की। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार का कार्यकाल असफल रहा है और पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए कार्यों का उद्घाटन कर श्रेय लेने का काम किया है। अरे मैंने भी अब काफी हलकों का दौरा कर लिया है, पर मुझे तो किसी क्षेत्र से ऐसी आवाज नहीं आई। कैसे कहीं भी उनके कामों को देखने का मुझे मौका नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि इन 4-4.5 सालों में भाजपा की सरकार ने कोई बड़ा कार्य किसी भी क्षेत्र में किया हुआ है। हम उनसे कहते हैं कि आप कम से कम 5 अपने काम हमको गिना दें, जिसके आधार पर हम भी मान लें कि हाँ वाकई भाजपा सरकार ने कोई काम किया है। पर लगता है कि इन्होंने कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया है। ये बड़ा दुखद बात है कि इन्होंने उन्हीं कामों का जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कार्य किए थे, उसी का विधिवत रूप से इन्होंने जगह जगह उद्घाटन किया है और उसी का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमने किया है। अभी आप देखें, एम्स यहाँ पर बना, जिसका श्रेय बार बार नड्डा जी लेते हैं और बार बार इनके भाजपा के कार्यकर्ता इसके जिक्र करते हैं कि जी एम्स हम लाए हैं। पर क्या हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं है जानती कि किसने ये फैसला किया? केंद्र में हमारी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे। उस वक़्त वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि मैं इतनी जितनी आपको भूमि चाहिए वो उपलब्ध करके देता हूं, और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष ये बात रखी और उन्हें कहा कि हमें ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट एक आप हिमाचल प्रदेश में भी दें। आपने जो मेडिकल कॉलेजेस अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में दे दिए, तो हम चाहते हैं कि बिलासपुर में भी एक बड़ा अस्पताल बने जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले। तो कांग्रेस की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और वीरभद्र सिंह जी ने अपने कैबिनेट में ये फैसला लिया था कि हम बिलासपुर में इस एम्स को खोलेंगे, और उसके बाद केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और गुलाम नबी आज़ाद जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने इसके लिए धन भी उपलब्ध करवाया और यहाँ आज आप देख रहे हैं जो ये इतना बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, इसका सारे का सारा काम कांग्रेस की सरकार और केंद्र सरकार ने, उस वक्त तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी उन्होंने इसकी शुरुआत की है और उन्होंने इसके बढ़ने में मदद की है, वो जनता जानती है। अब चाहे भाजपा के नेता कुछ भी जाकर जनता के बीच में उनको गुमराह करने का प्रयास करें या लोगों को ये कहें कि हमारी उपलब्धि है, हमारी वजह से इतना बड़ा अस्पताल नहीं आया है, तो लोग इस बात को भलीभांति समझते और जानते हैं कि किसके द्वारा काम किए गए। शिमला में आकर क्या ड्रामा करके चले गए नरेंद्र मोदी, मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जिस स्टेज पर वो बैठे थे उसी स्टेज का खर्चा कम से कम 125 करोड़ रुपए आया है। खाने का, आने का, जाने का वो अलग है, और किस तरीके से शिमला को चमकाया गया, एक दुल्हन की तरह सजाया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री शायद कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश को देके जाएंगे, हमारे किसान और बागवान की बात करके जाएंगे, पर ना उन्होंने बेरोजगारी की बात की, ना उन्होंने महंगाई कम करने की बात की और ना ही उन्होंने हमारे किसान और बागवान का कोई जिक्र किया। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि जो केंद्र की सरकार की योजनाएं चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही शुरू हुई, और उस योजनाओं के तहत वो महिलाओं से बात कर रहे थे और उस वार्तालाप में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ही है जो गरीब लोगों के हितैषी हैं, हम लोग ही उनको मकान बनाकर दे रहे हैं। तो वो एक महिला से वार्तालाप में पूछ रहे थे कि आपने को ये मकान किस तहत मिला, क्या मिला, पर जनता जानती है कि पहले भी ऐसी स्कीमें यूपीए की सरकार में भी केंद्र सरकार ने हमको दी है जिससे हमारे गरीब लोगों को मकान बनाकर दिए हैं, वो इंदिरा आवास योजना के तहत, राजीव गांधी आवास योजना के तहत लाखों लोगों को इसका बेनिफिट दिया गया, लाखों गरीब लोगों को वो मकान बना के दिए गए। पर प्रधानमंत्री जी ये दर्शाना चाहते हैं कि पहले की तो वो बात ही नहीं करते, ना उसका जिक्र करते, और वे कहते हैं कि जो भी स्कीमें सेंटर की चल रही है वो उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से वो स्कीमें आज प्रदेश में काम कर रही है।
उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।